खरगोन पुलिस ने मारुगढ़ गैंग रेप मामले में 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 1 अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। इस पूरे मामले का खुलासा खरगोन रेंज के DIG तिलक सिंह ने किया। खरगोन जिले के झिरनिया थाने के मारुगढ़ गांव में 29 सितंबर को रात में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने मुखबिरों से लगातार जानकारी जुटाई और आरोपी मदन उर्फ मांडलिया भिलाला और झाबरिया भिलाला दोनों निवासी मांडवी थाना सनावत को गिरफ्तार किया है। आरोपी राध्या भिलाला फरार है। खरगोन से अजय तिवारी के साथ जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 29-30 की दरमियानी रात में जो मारुगढ़ गांव है चैनपुर थाने का, वहां पे खेत में 29-30 की दरमियानी रात में जो मारुगढ़ गांव है अपना चैनपुर थाने का, वहां पे रात में घटना हुई थी जिसमें 3 आरोपियों ने खेत पे टपरी बनाकर रहने वाले भाई बहन के साथ मारपीट की थी और बहन को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल मौके का भ्रमण किया। पुलिस महानिदेशक महोदय, उप महानिदेशक महोदय, तत्काल उन्होंने घटनास्थल देखा, उसी दिनांक उद्घोषित करते हुए उन्होंने घटना में जो निरीक्षण है उसको किया और यथासंभव जो निर्देश थे वो जारी किया। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो है अलग अलग थानों से अपने पुलिस वालों को इकट्ठा करके जो है पूरी कई टीमें बनाई। उन टीमों को हम लोगों ने क्षेत्र में सभी जगह भेजा, जितने भी हमारे पास संभावित तरीके थे जिसमें हम लोग इनको पता लगाने का प्रयास कर सकते थे वो पिछले कुछ दिनों में हम लोग सब कर रहे थे। जो भी संभव था टेक्निकल इंटेलिजेंस जुटाने का हमने प्रयास किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर भी हमने कोशिश की। काफ़ी मुश्किल से हम लोगों को फाइनली एक लीड मिला जिसमें हम लोगों को ऐसा प्रूफ मिला कि ये जो व्यक्ति हैं वो इस घटना को अंजाम देना संभव हो सकता है। तो इनके बारे में जब हमने इनको पता लगाया तो इनको हम लोगों ने सकूनत से फरार पाया और इनको फिर हम जो टीम्स की इनकी लगाई हमने और इनको फॉलोअप किया तो काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि ये पुलिस से भाग रहे थे तो इनकी लोकेशन बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिल पाई। फाइनली जब उन्होंने इनको पकड़ा और इनसे हुकूमत वाली मंडी से पूछताछ की गई तो इन्होंने इस गुनाह को करना कबूल किया और इन्होंने मुख्यतः ये घटना जो है वो चोरी के उद्देश्य से की थी और जब चोरी करने वहाँ पहुँचे और उन्होंने फिर देखा तो उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इनमें से 3 आरोपी हैं जिनमें से 2 को हम लोगों ने अभी अपनी गिरफ्तारी कर ली है, उनको आवेदन कर दिया है और 3रा जो आरोपी है वो भी शीघ्र ही गिरफ्तार हो जाएगा। आप लोगों की जानकारी में है 29-30 की दरमियानी रात में हुई थी जिसमें जो 2 भाई बहन थे ये अपने खेत पे बनी हुई टापरी बनाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।